What's up, survivors? आपको मेरी ये नई जगह कैसी लगी? अब चलो देखते हैं इस बार क्या नया है। वैसे क्या आप लोगों को वो खुफिया इनविटेशन मिला? थोड़ी शरारत करने का मन हो रहा है। मैंने एक वोटिंग सिस्टम तैयार किया है जहां सर्वाइवर्स मैच में अपने पसंद के केओटिक इवेंट्स के लिए वोट कर सकते हैं। कुछ अजीबोगरीब चीजें जैसे बाधाओं वाला सेफ जोन, आउट ऑफ कंट्रोल प्लेन और कुछ शरारतें जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मशरूम्स और अनलॉक्ड आर्सेनल्स, ये सब पॉसिबल है। वोटर्स को इनाम भी दिया जाएगा। आपके पास गेम को हिला देने की ताकत है। सच में ये फैसला होगा आपका। और हाँ, मतदान शुरू होने से पहले कोई असामान्य इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। सुना है नया पैच आने के बाद हमें वोट करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले बड़ी खबर, नेक्स्ट एरा में काफी बदलाव हो रहे हैं। मैप अब आपके डिवाइस पर कम जगह लेगा, पर इन मैच परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है। पहले की बिखरी हुई बिल्डिंग्स अब ज्यादा पास पास होंगी, जिससे आपके टीम के पास ज्यादा पैराशूट ड्रॉप स्पॉट्स होंगे। अधिकांश रेगिस्तानी जगहों पर अब नई लगाई हरियाली दिखेगी, जो आंखों के लिए सुकून भरा एहसास देगा। जिपवे को अपने सिग्नेचर जिप लाइन्स को बरकरार रखते हुए एक बिल्कुल नया रूप और डिजाइन मिला है, जो इसे क्लैश स्क्वाड मैप पूल में एंटर करने का टिकट देता है। फार्म टोपिया और ग्रैव लैब्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, जो अब प्लेयर्स को उनके रास्तों और कॉम्बैट स्ट्रेटजीज में ज्यादा वैरायटी देते हैं, खास रूप से क्लैश स्क्वाड में। अरे नहीं, क्या आपने कभी CS स्टोर से गलती से कोई ऐसा आइटम खरीदा है जिसकी आपको जरूरत नहीं थी? नए परचेज विड्रॉल फंक्शन के साथ अब आप वेपन्स, आर्मर्स और अपग्रेड्स की अपनी परचेज को अंडू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी खरीदारी को ग्राउंड पर गिराते हैं तब भी आप उसे वापस ले सकते हैं और रिफंड पा सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस नए फंक्शन की एक लिमिट भी है। मशरूम, सीक्रेट बाजार और पॉकेट मार्केट के आइटम और टीममेट्स के लिए की गई खरीदारी रिफंड के लिए नहीं मिलेगी। नए क्लैश स्क्वाड सीजन में इस फीचर के लिए साथ बने रहें। मैचेस को ज्यादा रोमांचक और रिवॉर्डिंग बनाने के लिए बैटल फीडबैक के लिए नए विजुअल और साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं। क्लैश स्क्वाड में जिस प्लेयर ने एज हासिल किया है उसके लिए अगले राउंड की तैयारी वाले स्टेज के दौरान कैरेक्टर और नाम के आसपास फायर इफेक्ट होगा। क्लैश स्क्वाड और बैटल रॉयल दोनों में नॉकडाउन स्ट्रीक्स के लिए नए साउंड इफेक्ट और क्लच एलिमिनेशन के लिए हाईलाइट अनाउंसमेंट जोड़े गए हैं। और ये रहे इस पैच के लिए वेपन एडजस्टमेंट्स, एक नजर डालें। साथ ही ट्रोगोन की फायरिंग पावर को भी एडजस्ट किया गया है। ब्लॉक में ये नया लड़का कौन है? राइडन है ब्लॉक में ये नया लड़का। इस मैकेनिकल जीनियस ने अपने छोटे से बैटल पार्टनर एक घातक स्पाइडर का आविष्कार किया है, जो जाल में फंसाने के लिए दुश्मन की तलाश करता है। फंसे हुए दुश्मन की मूवमेंट स्पीड कुछ समय तक धीमी होगी और उसे ब्लीडिंग झेलनी पड़ेगी। जहाँ तक स्किल रिवर्क्स की बात है, तो यूजर के साथ पोजीशन बदलने के बाद सैंटिनो का पुतला खत्म नहीं होगा और कुछ सेकंड के कूल डाउन के बाद स्वॉपिंग को फिर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर दुश्मन पुतले को तबाह करता है तो उसकी पोजीशन मार्क हो जाएगी। नया विशलिस्ट सिस्टम आपकी विश पूरी करने के लिए आ गया है। अपने पसंदीदा वेपन स्किन और आउटफिट को अपनी विश लिस्ट में रखें, ताकि कोई भी आसानी से देख सके कि आपकी किस पर नजर है। और जब आपको किसी दोस्त पर प्यार दिखाना हो तो उनकी विश लिस्ट सही गिफ्ट खोजने के लिए सही तरीका होगा, जिसे वो खूब पसंद करेंगे। अगर आपका विश लिस्ट का आइटम उस समय उपलब्ध नहीं है तो उसके वापस आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। गाड़ियों में सुधार। पिकअप ट्रक पर अब 4 पैसेंजर्स आ सकते हैं। टुक टुक को चलाना बेहद आसान हो गया है और ये ज्यादा डैमेज झेल सकता है। मॉन्स्टर ट्रक अब टकराने पर दुश्मनों को ज्यादा डैमेज पहुंचाता है, अपने रास्ते में आने वाली ग्लू वॉल्स को तबाह करता है, ज्यादा डैमेज झेलता है और स्पीड में भी तेजी आ गई है। आप व्हीकल एयर ड्रॉप्स को भी समन कर सकते हैं। एक बार जब आप ये आइटम पा लेते हैं तो ये थ्रोएबल्स HUD में दिखाई देगा। बस इसे वहाँ रखें जहाँ आप अपनी गाड़ी चाहते हैं और देखते ही देखते बस आपकी गाड़ी वहाँ आ जाएगी। चिंता ना करें, किसी व्हीकल एयर ड्रॉप की चपेट में आ जाने पर आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। आखिर में जरूरी बात, मिनी मैप आसपास की गाड़ियों को बताएगा ताकि आप अपने हमले या भागने के प्लान को बनाने में इस इंटेल का इस्तेमाल कर सकें। और इस एपिसोड में बस इतना ही।